अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त झटपट तैयार होने वाली रेसिपी, जो कि बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जी, आज मैं बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा। शॉर्मा ब्रेड से पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। डो के लिए अब हमें कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम शॉर्मा ब्रेड इस्तेमाल करेंगे। तो जी, पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जो कुछ चाहिए, मैंने यहाँ पर लिया अनियन, कैरेट्स, बंद गोभी और शिमला मिर्च, रेड पेपर, नमक हसब ज़रूरत। यहाँ पे मैंने लिया चेडर चीज़, आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है आप वो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन और टमाटो, इसके अलावा मेरे पास है रेड चिली सॉस, विनीगर, सोया सॉस, थाइम लीव्स और ओरिगैनो। तो चलिए फिर हम अपना सबसे पहले जो है चिकन रेडी कर लेते हैं। चिकन को जो है छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। आपके पास अगर लेफ्ट ओवर चिकन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन का जो है हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। देखिए, इतने इतने से हमने इसके पीस किए हैं, बड़े पीसेस नहीं करने। अब इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। वन टीस्पून रेड पेपर, सॉल्ट हसबे ज़रूरत, जितना आप डालते हैं उतना आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। रेड चिली सॉस मैं जो है यहाँ पे एक चम्मच डालूंगी। विनीगर हाफ चम्मच, सोया सॉस हाफ चम्मच, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा चिकन जो है ये रेडी है। अगर आप चाहें तो आप इसे मैरिनेट करके 1 आवर के लिए रख भी सकते हैं। मैं इसे एज इट इज़ अभी यूज़ कर लूँगी, मैरिनेशन नहीं करूँगी। एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे गरम कर लिया अच्छे से। अब इसमें जो हमने चिकन मैरिनेट किया था वो शामिल कर देंगे। तो जी, हमारा चिकन जो है ये ज़बरदस्त सा तैयार है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो जी, अब हम अपने पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन कर लेंगे। यह हमने लिया शॉर्मा ब्रेड, इसे हल्का सा सोते करेंगे। ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा। अब पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर लेंगे। सबसे पहले डालेंगे इस पर चीज़। इसके बाद डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर,
उसके बाद डालूंगी शिमला मिर्च, टमाटर, अनियन, नमक हसबे जायका। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला। रेड चिली फ्लेक्स, थाइम लीव्स, ओरिगैनो। अब इसके ऊपर डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई कर लिया था। तो जी इसके ऊपर मैंने डाल दिया चिकन। आपके पास जो भी चिकन है, आप अगर ग्रिल करके डालना चाहते हैं ग्रिल करके डाल लीजिए चिकन। अगर आप कीमा डालना चाहते हैं तो कीमा डाल लीजिए। कोई लेफ्ट ओवर चिकन आपके पास मौजूद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो जी इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। तो जी हमारे पिज़्ज़ा की टॉपिंग बिल्कुल रेडी है। अब इसे कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। अगर आप ओवन में कुक करना चाहते हैं तो आप ओवन में 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। मैं जो है चूल्हे पे पैन में कर। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप मेरी तरह पैन में भी इसे कुक कर सकते हैं, बहुत अच्छा कुक होता है। तो जी हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे डिश में निकाल लेते हैं। तो जी हमारा टेस्टी यमी पिज़्ज़ा रेडी है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आपके मुंह में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है तो फिर जल्दी से जाइए अपने किचन में और बनाइए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और खाइए। जल्दी से फिर मेरे चैनल पर आइए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली ज़बरदस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।